हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय की प्रेडिक्शन। सो आज हम बनाएंगे चीज़ चिली सैंडविच। या टोस्ट बनाने के लिए हमको लगेगा कैप्सिकम, कैबेज और अनियन। इन सबको हमको फाइनली चॉप करना है। यू कैन यूज़ चॉपर, यू कैन यूज़ फूड प्रोसेसर और यू कैन चॉप देम मैन्युअली एज वेल। किचन किंग और गरम मसाला लिया है, ब्लैक सॉल्ट, सॉल्ट, ग्रीन चटनी और चीज़ स्लाइसेस। अभी मैंने किचन किंग और गरम मसाला क्यों लिया है, बिकॉज मेरे पास सैंडविच मसाला का मिक्सचर नहीं था। सैंडविच मसाला मिक्सचर बनाने के लिए आप ब्लैक पेपर, चाट मसाला, इन सबको ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हो। बट आई हैव यूज दिस करी पाउडर, कोई भी चल जाता है, मसाला है, मैजिक भी चल जाएगा मैगी का। सो इफ़ यू डोंट हैव गरम मसाला यू कैन यूज़ दैट। अब हम इनको कुक करेंगे। कुक कैसे करेंगे, सिर्फ उनको सेमी सॉफ्ट रहने तक कुक करेंगे, क्योंकि हमको उसका क्रंचीनेस चाहिए सब्जियों का थोड़ा। सो उसके वजह से हम इसको कुक करेंगे। और आप क्या कर सकते हो, आप सब्जियों को स्क्वीज कर सकते हो उनका मॉइस्चर निकालने के लिए, जैसे हम मंचूरियन के लिए करते हैं। इनको कुक करने के लिए आपको गैस को सिम या फुल रखोगे तो भी चलेगा, बट मेन पर्पज़ इज उनको सेमी सॉफ्ट रखना है। अब हम इनमें मसाले और ये चटनी भी डाल देंगे, क्योंकि अगर हम इनको कुक होने के बाद डालेंगे तो क्या होगा कि उसमें से जो मॉइस्चर है वो और मिलेगा और आपकी जो सैंडविचेस या टोस्ट है वो सॉगी बनेंगे। एक्चुअली सैंडविच नहीं है, टोस्ट है, बिकॉज हम इसको ग्रिल कर, हम इसको वो करेंगे, टोस्ट करेंगे, तो इसको इसकी वजह से टोस्ट बोलते हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन सैंडविच एंड टोस्ट। सो इसके बाद आपने देखा इसका मॉइस्चर निकल रहा है, उसी वे में हम इसको सुखाएंगे, मतलब सुखाएंगे इन द सेंस इसका मॉइस्चर इवेपोरेट करने की कोशिश करेंगे। जो कि हम स्क्वीज करके करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और उसका टेस्ट वो स्वीट स्टाइल नहीं आता है, ठीक है। ये देखिए कितना मॉइस्चर आ गया आजू बाजू में उसके। सो अभी इस मोमेंट के बाद देखो, ऑलमोस्ट इसका मॉइस्चर निकल गया है ना, सब्जियों का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे कैप्सिकम का कलर आपको थोड़ा सा डल दिखेगा, ग्रीन से थोड़ा और ग्रास ग्रीन दिखेगा, डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन हो जाता है, उस टाइम पे आपको इसमें चीज़ डालना है, ठीक है। चीज़ मैंने अभी इसमें कैसे डाला है, ग्रेटर से ग्रेट नहीं किया मैंने इसको, हाथ से ही वो करके डाला है। मेरे आलसीपन का एक वो है, ये टिप है, आप ग्रेट करके डाल सकते हो, बट ग्रेटर से ना बहुत ग्रेटर मैसी हो जाता है और उसके बाद उसकी दूसरा बर्तन मैसी हो जाता है। सो आई डोंट यूज़ ग्रेटर वाइल आई हैव टू मेल्ट द चीज़ फॉर द सब्जी, आई यूजली डू दिस वे। सो इसके बाद ये जैसे मेल्ट हो जाएगा और उसको साइड में रख देंगे हम, आप चाहो तो उसको बहुत ठंडा करके यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर आपको गर्म चीज़ों के साथ काम करने की हैबिट नहीं है तो आप इनको ठंडा करके यूज़ कर सकते हो, नो इशू इन दैट। बट आई विल बी यूजिंग इट स्ट्रेट अवे बिकॉज वीडियो बनाना था। सो अब प्लेटफॉर्म को थोड़ा क्लीन कर देंगे बिकॉज वो काफ़ी मैसी हो रखा है। और उसके बाद हम ये मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड लिया है, आप मल्टीग्रेन, ब्राउन ब्रेड कुछ भी ले सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस। सो अब यहाँ पे मैंने बटर लिया है, बटर को आप थोड़ी देर पहले निकाल के रखना जैसे कि वो थोड़ा मेल्ट हो जाए और रूम टेम्परेचर पे आ जाए। मैंने एक्चुअली क्या मिस किया है, जब मैं उसको टोस्टर से निकाल रहा हूँ मुझसे वो क्लिप मिस हो गया है, मैंने उसको कैप्चर तो किया था, पता नहीं कहाँ पे हो गया। सो अब मैंने यहाँ पे एक्चुअली मेरे फेसबुक लाइव पे, अगर आपको ये पूरा प्रोसीजर डिटेल में देखना है आपको फेसबुक लाइव पे भी दिखेगा मेरे पेज पे। सो यहाँ पे मैंने बटर और चटनी लगाया है अपने वाइट ब्रेड स्लाइस के ऊपर, और इसको आप अच्छे अमाउंट में फिलिंग से भरो, क्योंकि अगर उसमें आप फिलिंग कम रखोगे ना तो उसका मज़ा नहीं आएगा। हाँ, अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप कम करो, नो प्रॉब्लम इन दैट, जैसे मैंने अभी किया। और अब इसको हम कवर करके टोस्ट करेंगे दोनों साइड से ब्राउन होने के लिए। अब दोनों साइड से ब्राउन होने के लिए क्या करना है, आपको दोनों साइड्स पे टोस्टर की ये लगाना है, बटर लगाना है। बटर लगाने के बाद आपको दोनों साइड्स पे इसको टोस्ट करना है अराउंड एंड अराउंड 15-20 सेकेंड्स में ये हो जाता है दोनों साइड्स पे ब्राउन। अभी आपको दिखेगा कि ये कैसा ब्राउन हुआ है, बस उसके फिर आपको पीसेस करके सर्व करना है। सो देखिए किस तरीके से ब्राउन हो गए। अभी एक साइड पे स्टिक हो गया, आपको स्टिक हो जाए तो क्या करना है, नाइफ से या किसी स्पून की हेल्प से निकाल देना है उसको। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।